नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। सुहेल देव समाज पार्टी के कई बड़े नेताओं ने आज पार्टी को छोड़ते हुए निषाद पार्टी का दामन थाम लिया है। लखनऊ में आयोजित निषाद पार्टी के सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद ने सभी को सदस्यता ग्रहण कराई। सुभाषपा को छोड़कर आए नेताओं की वजह से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। इस अवसर पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर दूसरे अन्य कई दलों के नेता भी पार्टी में जल्द शामिल होंगे, जिससे पार्टी और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि राजनीति में भाषा का संयम जरूरी है, जो दूसरी पार्टी में नहीं रहा। इसी वजह से लोग हमारी पार्टी की नीति से प्रभावित होकर हमारे साथ आ रहे हैं। एक बहुत अच्छा दिन है कि हमारी पार्टी में दूसरी पार्टी को हमारी पार्टी की विचारधारा से सहमत होकर, हमारी पार्टी की सफलता को देखकर, हमारे कार्यकर्ताओं की कर्मठता और कुशलता को देखकर, हमारे पार्टी के उद्देश्य को देखकर दूसरी पार्टी छोड़कर उनके राष्ट्रीय कमेटी के प्रदेश कमेटी के लोग आ रहे हैं। आज के दिन में दो दो पार्टी के लोग आए हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हमारे निगाह में कोई पार्टी खराब नहीं है, लेकिन कुछ शब्द खराब हैं जिसको लोगों को ठेस पहुंचता है। आज के दिन में हम आज इन दोनों को ज्वाइन किया हूं। एक हमारे पास रमाकांत कश्यप जी हैं, वो राष्ट्रीय सचिव रहे। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष सीपी जी हैं, वो आए हुए हैं हमारे साथ। एक जो है राम अनुज निषाद हैं, इनकी पूरी टीम है। पंडित जी हैं, यादव जी हैं और लोग, महिला मोर्चा है, वो सारी टीम आज के दिन में आज निषाद पार्टी की विचारधारा को ऑनलाइन सदस्यता ली है और जिम्मेदारी ली है। 12-13 को एक इनकी ट्रेनिंग भी होगी पूरे प्रदेश के लोगों की। वो अपनी क्षमता के अनुसार अपना काम करेंगे। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस उद्देश्य को लेकर आए हैं, और निषाद पार्टी का एक ही उद्देश्य है, निर्बल सबल हो जाए। निषाद पार्टी का उद्देश्य है कि भारत के संविधान के मुताबिक सबको अपनी हिस्सेदारी तय हो जाए। आज के दिन में धीरे धीरे राजनीति के शिकार थे, हिस्सेदार हो रहे हैं, तो आज उसी हिस्सेदारी को तय दिलाने के लिए आज लंबे समय तक ये लोग थे। किसी के वंशज को, किसी के पूजनीय हमारे संस्कार को, कश्यप ऋषि जो सभी लोग पूजे जाते हैं, अगर ये कहें कि आज के दिन में वो कश्यप वार भिकमंगा था तो उसको बड़ा उन्होंने ठेस है। आज के दिन में अर्कवंशी भिकमंगा था, तो ये शब्द थोड़ा पड़े हैं। मर्यादा खोजता राजनीति में, तो आज के दिन में ये लोग उससे बहुत दुखी हैं, विचारधारा से दुखी हैं उनके, और उनके क्रियाकलाप से दुखी हैं। इनका एक ही कहना है कि वो पार्टी अपनी विचारधारा से भटक गए, इसलिए हम लोग आ रहे हैं। हमारी पार्टी विचारधारा उन्हें अच्छी लगी, आए हैं, और आज जब उनको काम करेंगे, जिम्मेदारी देंगे, अनुशासन में रहेंगे। निश्चित रूप से हमारी भोजन भरी थाली है। 1 से 11 सीट आई है, अब देखो कितना पहुंचाते हैं। लोकसभा है, हम मोदी जी को, योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि आज अर्थव्यवस्था में हम लोगों के साथ आज निषादों के लिए तमाम योजनाएं दी है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राजबोट योजना, मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हो गई है। इनको हम आवासीय सुविधा देंगे, आज के दिन में सामुदायिक भवन बनाएंगे, इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इनको इलाज के लिए है, इनके इनके इनको अनुदान और ज्ञान भी देंगे। आज के दिन में ढेर सारी योजनाओं के माध्यम से इन्हें, जो आज उपेक्षित थे, अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े, उनको हम अपनी सरकार उन्हें मदद कर रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें जीबीएन 24।